देखो एक बात बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ, इस वाले व्लॉग में कुछ भी आईआईटी से रिलेटेड नहीं है। इस वाले व्लॉग में मैं अपने गांव में आया हूँ और मैंने सोचा थोड़ा वीडियो वीडियो बना लेते हैं, घूम फिर लेते हैं बस। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आईआईटी में क्या कर रहा हूँ या आईआईटी में क्या हो रहा है या लोग आईआईटी में क्या कर रहे हैं। तो वॉच एट योर ओन डिस्क्रेशन। जा रहे हैं मेरी दीदी की शादी में, ये देखो। और मैं चाय पी रहा हूँ शताब्दी की, जिसमें हमने आधा टिकट का किराया दिया था बस, और हम बिना टिकट के बैठ गए थे। हम टिकट करवा रहे थे तो पहले टिकट हो गया, फिर टिकट कैंसिल हो गया, फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने यहाँ पे ट्रेन में आके टिकट लिया है। उतरेंगे, बस बस पकड़ेंगे, फिर पहुँचेंगे गाँव में, देखना कैसा गाँव है। अच्छा ये नाना, हाय करो, हाय, ऐसे हाथ तो हलाओ। बीच में प्रोग्राम बन गया यहाँ पे आने का, क्योंकि शादी है और बहुत दिन बाद आया हूँ मैं खुद यहाँ पे, एक साल बाद, तो अच्छा लग रहा है। बाकी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। अभी सही जगह है, मैं भी आया हूँ यहाँ। कुणाल आर्किटेक्ट कुणाल दलोत्रा, बहुत जोर से टट्टी लगी है। ये रहा शौचालय, शौचालय इसमें ये जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जाएंगे इधर खुले में। देखो एक बात बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ, इस वाले व्लॉग में कुछ भी आईआईटी से रिलेटेड नहीं है। इस वाले व्लॉग में मैं अपने गांव में आया हूँ और मैंने सोचा थोड़ा वीडियो वीडियो बना लेते हैं, घूम फिर लेते हैं बस। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आईआईटी में क्या कर रहा हूँ या आईआईटी में क्या हो रहा है या लोग आईआईटी में क्या कर रहे हैं। तो वॉच एट योर ओन डिस्क्रेशन। तो इस वाले व्लॉग में ये है कि मैं अपने गांव आया हुआ हूँ और देख लो भाई कि कैसा गांव है। वैसे तो अच्छा ही है और बढ़िया जगह है, काफ़ी पीसफुल है, शहर से काफ़ी 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 दूर गांव है, कानपुर देहात में। और अभी तो मैं नोएडा में रहता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। जब मैं छोटा था तो पापा नोएडा आ गए थे काम करने के लिए और तब से वहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आता जाता रहता हूँ हर साल। अभी तो कॉलेज जब से चालू हुआ तब से आना बहुत कम हो गया है, एक साल में एक बार आया हूँ मैं, अभी पिछले साल आया था। बाकी पहले हर साल जब स्कूल में था हर साल एक दो बार दो तीन बार आता रहता था। अच्छी जगह है, काफ़ी बढ़िया है। शहर में लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है और यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब सब कुछ खाली खाली, कुछ भी करो, टहलो, सो, मस्त रिलैक्स करो। वहाँ पे क्या है कि एक घंटा भी आपका इधर उधर हो गया, दो घंटे तो ओहो इसमें मुझे ये करना था, मेरा ये काम था, इतना स्ट्रेस बेमतलब का। तो सही है, चक्कर मारते रहने चाहिए गांव के भी, और अपने आप ऐसे ये भी टाइम टू टाइम ऐसे रिमाइंड कराना चाहिए कि हम लोग आए कहाँ से हैं, पहुँच चाहे जा गए हों, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई थी। तो बढ़िया जगह है यार, मुझे तो बहुत पसंद है। जब से कॉलेज थोड़ा दूर हो गया तो आना जाना कम हो गया, जब तक स्कूल में था तब तक तो मैं हर साल में दो तीन बार तो आता ही था अपने गाँव। बढ़िया जगह है, बाकी सब बड़े हो गए, इधर उधर निकल गए सारे दोस्त, तो अब आना जाना कम होता है, लेकिन आज अभी हुआ है आना तो अच्छा ही लग रहा है। बड़े दिन बाद ऐसे गांव आने का मौका मिला है, और एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि ना सारे कज़िन्स इकट्ठा हो जाते हैं। देखो अभी इकट्ठा है तो पता है तुम्हें क्या सिस्टम चल रहा है। ऐसा हो सकता है और ऐसा ज़रूर होगा कि इस व्लॉग में ना बहुत बार लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब यार मैं तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलूँगा ना, यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा कर लेना मैनेज, मतलब समझने की कोशिश करना, क्या पता समझ में आ जाए, इतना टफ तो नहीं है। बनाओ ना, बनाओ यार। मैम देखो मेरे गाँव का क्या, अरे देखो मुगल आर्किटेक्चर, मतलब मुगल आर्किटेक्चर है नहीं। ये सीमेंटेड है, मतलब ये पक्का है, बाकी सब कच्चा है। वॉल सारी लोड बियरिंग है, ये देखो इधर आओ। ये देखो ऊपर वो होता है ना अरहर की दाल होती है, उसका जो पेड़ होता है ना उसको सुखा के
पहले धन्नी रखते हैं मतलब लकड़ी, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर मिट्टी के लेयर, जब बारिश में भारी हो जाता है इसलिए थोड़ा टूट गया है, इससे इंसुलेशन अच्छा बना रहता है। और ये नीचे नीचे सीमेंट नहीं है, मतलब पक्का नहीं है ये। आजा अंदर आजा, खाली है खाली। ये रहा स्टोर रूम, प्लस स्टोर रूम नहीं है यहाँ पे, जब लाइट आती है जो कि बहुत कम आती है तो लोग रहते हैं यहाँ पे, लोग मतलब मेरी छोटी बहन। ये देखो 90% टारगेट लिखा हुआ है ना कि बोर्ड में 90% लाने हैं। मम्मी मम्मी इधर देखो, हाँ हाँ कैसा लग रहा है आपको? शादी हो गई ख़त्म और अब हम लोग जा रहे हैं वापस रुड़की। बहुत लंबा सफ़र है, पता नहीं कितनी जगह बस बदलनी पड़ेगी, ट्रेन बदलनी पड़ेगी। एक तो टिकट नहीं कहीं से, तत्काल में वहीं TTC बात करके टिकट लेंगे और क्या। बाकी शादी अच्छी रही भैया, बात का ही करनी है, बात तो करनी ही पड़ेगी ना। हमारे पार्टी है पहले बुला कर खड़े हो, चलाते थे क्या भैया पहले गाड़ी? हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं रुड़की और अभी हम लोग, हमारे साथ ऐसे ड्राइवर बैठे हैं जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाते थे। जिंदा वापस आ गए डलोत्रा, कैसा कैसा सफर रहा, कैसा लग रहा है? सफर तो अच्छा ही रहा, मतलब 16 अनएक्सपेक्टेड हो गया, सोचा था 8 घंटे लगेंगे 16 घंटे लग गए। और रिसीव करने कौन आया? ओहो यूट्यूबर प्रांशु कटियार, यूट्यूबर सबसे बढ़िया मजा तो लिपस्टिक रिमूवर प्रांशु कटियार, सबसे बढ़िया मजा आया गाड़ी में। अरे भाई गाड़ी में तो भाई ऐसा लग रहा था हर सेकंड कि अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। उससे बोला हमने भैया मौत के कुएं में चलाते थे क्या? कहता है भैया आपको कैसे पता? अभी भी हक रहा है यार, अभी भी हक रहा है यार, गलत कर रहे हैं यार, यार अभी भी गलत कर रहा है, मतलब हद हो गई भाई। कैंपस में आ गए तो बहुत पीसफुल लग रहा है और मेरे को एक चीज ये रियलाइज हुई कि ये आखिरी एंट्री है मेरी कैंपस में एज ए स्टूडेंट, और आखिरी इसके बाद कहूंगा घर से चालू हो गया।